राम भाई साहब। राम राम, राम राम संदीप भाई, राम राम। और जो मेरे किसान भाई है, व्यापारी भाई है, जो सब्सक्राइबर है, उनको भी मीना डेयरी फार्म की तरफ से भाई राम राम। धन्यवाद जी। भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर यहाँ का एड्रेस शेयर करें जी। संदीप भाई मेरा नाम है अमित मीना जी, अपना डेयरी फार्म है मीना डेयरी फार्म के नाम से जी, और अपने को डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है जी जी, तहसील विजयनगर और शहर जो हमारा है जैतसर जी। गंगानगर से 85 किलोमीटर की दूरी पे और सूरतगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पे हमारा फार्म है। अच्छा जी, रेल और बस दोनों का साधन आरामदारी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ तो अमित भाई आज की वीडियो में कितनी गाय सेल के लिए अवेलेबल है जी? संदीप भाई गाय तो अपने पास 25-26 गाय है, लेकिन वीडियो में 11 गाय दिखाएंगे जी। हाँ 11 गाय बिक्री के लिए दिखाएंगे। और प्राइस कहाँ से स्टार्ट और कहाँ तक हाईएस्ट है जी? प्राइस तो संदीप भाई सबसे पहले तो जो भाई वीडियो देखते वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जी। मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी और अच्छी अच्छी गाय दिखाते हैं और प्राइस हमारा बिल्कुल जायज होता है जी। तो वीडियो को अच्छी तरह देखें, पूरा समझे हम क्या बात बोल रहे हैं, पूरी बात सुने, गाय की डिटेल सुने, फिर उसके बाद जो गाय हम दिखाते हैं उसका स्क्रीन शॉट लेके हमें डालें। आज की गाय दिखाएंगे आपको 25,000 से स्टार्ट है जी। 11 किलो दूध की गाय 25,000 से स्टार्ट है और लास्ट प्राइस रहेगा जी 58,000 रुपए का घर पहुंच रहा। 25 से लेके 58 तक विद ट्रांसपोर्ट? नहीं, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है संदीप भाई। ट्रांसपोर्ट तो हर वीडियो में हमारा 500 किलोमीटर तक फ्री रहता है जी जी जी। फ्री इसमें मैं बताता हूँ, हम हर स्टेट के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा देते हैं जी। 500 किलोमीटर तक कोई चार्ज नहीं लगता जी जी। उससे आगे जो गाड़ी चलती है 10-20 किलोमीटर की, संदीप भाई कोई बड़ी बात नहीं है जी। जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 1,500 वो आगे चलती है जो गाड़ी जी, उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा जी। वो आप मुझे कॉल करें, मैं पूरी बात आपको समझा दूंगा भाई जी जी। हाँ जो भी भाई पशुधन लेते हैं ट्रांसपोर्ट की, पशु की सभी जानकारी हम आरामदारी से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब 93517-40467-95-492-40885। ये दोनों नंबर संदीप भाई व्हाट्सएप पर कॉलिंग पे दोनों पे है। और जो संदीप भाई मैं बताता हूँ, जो ऑफलाइन ऑनलाइन की सुविधा मैं बता देता हूँ आपको, जो भाई हमसे पशु ऑनलाइन लेता है, हम किसी को नहीं कहते भी हम आप ऑनलाइन लो। जो भाई पशु ऑनलाइन लेगा उसे टोटल पेमेंट लोडिंग से पहले ऑनलाइन डालनी पड़ेगी। जो कि किसान भाई ने ये गाय ले दी मेरे से ऑनलाइन, तो ये गाय हम गाड़ी में जब भी लोड कराएंगे जब हमारे अकाउंट में पूरी पेमेंट आ जाएगी, फाइनल पेमेंट आने के बाद। हाँ टोटल पेमेंट आने के बाद गाय लोड होती है संदीप भाई जी जी। ऑफलाइन जो भाई लेते हैं, जो गाय पसंद आई उसे बुकिंग करवा के आप हमारे पास आओ, आराम से अपना 2-4 टाइम दूध देख के हमें पेमेंट दो और गाय ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है जी जी। हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन ये सुविधा मैं बता देता हूँ, कई किसान भाई के फोन कॉल्स आते हैं कि भाई पेमेंट घर पे दे देंगे, तो हमारे पास वो कोई सुविधा नहीं है संदीप भाई जी जी जी। हाँ तो इससे आगे गायों की डिटेल शुरू, गाय की डिटेल भी बता देता हूँ। और जो 25,000 में हम गाय देने वाले हैं संदीप भाई, वो 35,000-40,000 की मार्केट में गाय बिकने वाली है। अच्छा, उसका रेट हम 25,000 दे रहे हैं जी, क्योंकि हमें हर पशु के पीछे 2,000 रूपए प्रॉफिट चाहिए जी जी। हर पशु के पीछे हमें 2,000 रूपए बन जाए, हम पशुधन सेल कर देते हैं। सभी भाई जानते हैं जी, जो वीडियो देखते हैं। हाँ भाई जानते हैं संदीप भाई, सभी जानते हैं। बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में गाय और भैंस सेल के लिए अवेलेबल होती है, बिल्कुल जायज रेट होते हैं संदीप भाई। अपने को ज्यादा धन नहीं चाहिए, सुख शांति से हर पशु में 2,000 रूपए प्रॉफिट बन जाए, किसान भाई के घर गाय चली जाए और दूध हो जाए, हमें 2,000 प्रॉफिट बन जाए। तो इससे आगे अमित भाई गायों की डिटेल शुरू करते हैं। 11 गाय कवर करनी है तो हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा संदीप भाई, साथ में साथ डिटेल देते हैं, गाय चला के दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर पर ये गाय देख सकते हैं, ब्लैक कलर के अंदर अडर की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ब्लैक कलर के थन है, दूर दूर स्पेस वाले मुठिया अंचल। प्रॉपर डिटेल भाई साहब से लेते हैं जी। भाई साहब जी, भाई आज इसकी डिलीवरी को 4 दिन हो गए, दूसरी बार इसने बछड़ी को जन्म दिया है, सेकंड ब्यात में। हाँ, पीछे बछड़ी है, गदरी चोलिस्तानी क्रॉस में बछड़ी है जी। हाँ दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया और अभी खींच नापने वाला संदीप भाई 12 किलो तैयार है, 12 लीटर अभी खीस है, कच्चा दूध है। हाँ, कच्चा दूध है, कोई भी भाई 2-4 टाइम अपनी तसल्ली कर सकता है भाई जी। 12 किलो दूध खींच नपवा के दे देंगे। दो क्षमता संदीप भाई मैं इसकी बता देता हूँ, 15 से 12 रहेगी जी, ऊपर 16 दे 17 दे वो अगले की परवरिश पे है जी जी, लेकिन 15 से 12 की गाय है। बाकी
आज जो वीडियो के अंदर है वो 12 लीटर पर सेल है, 12 लीटर आज के दिन हम 12 लीटर भी देंगे। अगर किसी भाई को मतलब 12 लीटर पर लगती है कि हाँ भाई मेरे लायक है, हाँ, तो ले बंदा, तो ले भाई, क्योंकि किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है संदीप भाई। जी जी, वीडियो बनाने का हमारा मतलब यही होता है संदीप भाई, अभी हमारे पास ये पशु बिक्री के लिए उपलब्ध है। जी जी, वो अगला ऑनलाइन ले, ऑफ ले, कोई कैसे भी ले, कोई जबरदस्ती, क्यों उसमें क्या है कि मित भाई जैसे आपने बोल दिया कि 15-16 लीटर दूध निकाल देगी, बिल्कुल बाई चांस ये ना निकाले। अभी 12 तैयार है, 12 पर कोई भाई मिल्किंग चेक करे। हाँ जी, तो जी देखो जी, हम नॉर्मल फीड देते हैं। जी जी, वो ऐसे देते हैं किसान की अब तक कैसी फीड दे, इसलिए हम हैवी फीड नहीं देते जी, तो इसलिए नॉर्मल सेवा पर भी 12 किलो दूध निकाल रही है। बाकी व्यापारी के पास मन में नहीं लगाती, 2 या 3 दिन हाईएस्ट है जी किसी के पास, अगर पशु बात ना संदीप भाई, 10-12 दिन किसी के पास रहती है जब पशु जाके संतुष्ट होता है जी। ब्यांत कौन सा बताया आपने, दूसरा ब्यांत में नस्ल, नस्ल राठी है जी, राठी नस्ल की है, शुद्ध देसी नस्ल है राठी, राठी ब्रीड के अंदर गाय है, 4-5 दिन की ब्याई, अभी 12 लीटर मौके का दूध है। टैंक साइज एडर है, थनों का गैप देखिए कितना शानदार है, मुठिया थन है, बिल्कुल नरम चुवाई गया, न्याना लगाओ मत लगाओ जी, बहुत ही ठंडी गाय है। तो अमित भाई इसका प्राइस के बारे में बात करें तो बिल्कुल फिक्स लेने वाला रीजनेबल प्राइस भाई, मोल कराने को कितना ही करा ले, 44,000 रुपए की गाय दूंगा, 44,500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। ठीक है जी, हाँ। इससे आगे जी नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जी संदीप भाई, ये दोगली गाय है, जर्सी क्रॉस में है, जर्सी क्रॉस ब्रीड, हाँ, की है, दोगली गाय है, पीछे बछड़ी है, इसकी डिलीवरी को 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन की ब्याई हुई है, हाँ, 9 दिन की ब्याई है, थनों के अंदर स्पेस काफी अच्छा है संदीप भाई, आर्डर क्वालिटी जो अंदर की आगे पीछे का फिटिंग वाला अड्डर है जी जी, और नापने वाला जो दूध है संदीप भाई, अभी इसमें नापने वाला दूध है जो 16 किलो दूध तैयार है, 16 लीटर अभी मौके का दूध भाई, हाँ, कोई भी भाई 2 से 4 टाइम अपना दूध देंगे, 16 किलो दूध नपा के देंगे, दूध संदीप भाई 20 किलो देना है इसने, क्रॉस ब्रीड में, क्रॉस ब्रीड में, इनको तो जितना डालो उतना ही डालो, क्रॉस ब्रीड के अंदर है, जर्सी और थोड़ी राठी के अंदर मिक्स है, राठी में आ रही है, जर्सी राठी क्रॉस ब्रीड की गायें हैं, इसलिए फेंट भी अच्छी रहने वाली है संदीप भाई, और दूध भी 5-6 के बीच में फेंट आएगी इसकी। जी जी, पीछे क्या बताइए आपने, बछड़ी है संदीप भाई, पीछे भी फीमेल का बछड़ी है, आप माँ की जैसी ही बछड़ी है। जी जी, अभी 16 किलो की मिल्किंग कोई भाई चेक कर सकता है, 2 टाइम 4 टाइम अपनी संतुष्टि कर सकता है। जी जी, प्रॉपर दूध आप बता रहे हो 20 लीटर तक दे देगी, दे देगी आराम से, दे देगी संदीप भाई, अभी तो मेले मोले पे आएगी, 9 दिन हुए इसकी डिलीवरी को। जी जी, पशु 10-12 दिन बाद पूरा दूध बना लेता है, बाकी ऐसी गायों को तो 20 लीटर दूध क्षमता कवर करनी भी चाहिए। बिल्कुल, कोई ज्यादा नहीं है, 20 किलो दूध इतनी बड़ी बछड़ी दूसरी बार बच्चा दिया इसने। जी जी जी, और रेट में इसका बता दे तो संदीप भाई, 57,000 में घर पहुंच करवा दूंगा, 57,000 57,000 के अंदर घर पहुंच करवा दूंगा। इससे आगे जी नेक्स्ट अगली गाय भाई, ये गिर नस्ल की गाय है, गिर में, हाँ, गिर में है और इसने दूसरी बार बच्चे को, रियल दूसरी बार है। अच्छा जी, हाँ, पीछे बछड़ा है जी, इसकी डिलीवरी को आज 3रा दिन है, नापने वाला जो खींच तैयार है वो 11 किलो तैयार है, 11 किलो अभी खीस है, बिल्कुल नापने वाला, और ब्याई को आज 3रा दिन है संदीप, 3 दिन की ब्याई है, 3 दिन की, हाइट वेट की काफी अच्छी है संदीप भाई, स्वभाव बहुत ठंडा है। जी जी, मुठिया थन लगा हुआ, थनों के अंदर स्पेस भी काफी अच्छा है, ये भी गिर के अंदर प्योर नहीं है, बाकी मिक्स मान सकते हैं भाई, साहिवाल में थोड़ा बहुत है, 5-10% है, ज्यादा नहीं है। जी जी जी, बाकी गिर में ही है, पीछे मेल का बछड़ा 3रे नंबर पर ये गायें हैं, हाँ, 3रे नंबर पे जी। अभी खीस आप बता रहे हो 11 किलो संदीप भाई तैयार है, और इसने पहले बार में 15 किलो दूध दे रखा है। अच्छा जी, हाँ, इस बार उम्मीद है 16-17 की, बाकी 15 मान के कोई, हाँ, भाई ले 15 लीटर मान के ले, 15 लीटर दूध भी थोड़ा नहीं होता संदीप भाई। जी जी जी, हाँ, कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई लेता है 15 किलो दूध मान के गाय को खरीद सकता है। अच्छा जी, 11 लीटर की अगले को मिल्किंग करवा के देंगे। प्राइस भाई साहब, प्राइस भाई ये दे देंगे 55,000 में घर पहुंच, 55,000 रुपए, 55,000, 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट फ्री है जी, उससे आगे जो गाड़ी चलेगी उसका चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है जी, इससे आगे जी नेक्स्ट अगली गाय जी, तो इससे आगे दोस्तों अगली गाय ये भी देख सकते हैं, शानदार अडर क्वालिटी के अंदर है। तो मित भाई नस्ल के बारे में बात करें, ये साहिवाल नस्ल की गाय है जी, और दूसरी बार इसने बच्चे को जन्म दिया, साहिवाल ब्रीड के अंदर, साहिवाल ब्रीड की है, बहुत ही ठंडे स्वभाव की है जी, और संदीप भाई दूध जो नापने वाला इसमें तैयार है वो 14 किलो दूध बिल्कुल रेडी है, 14 लीटर कोई भी भाई 14 लीटर की मिल्किंग करके ले सकता है। पीछे क्या है जी, पीछे बछड़ा जी, मेल का, पीछे बछड़ा, मेल का बछड़ा, वो आगे बंधा हुआ, आगे बंधा हुआ संदीप भाई, जी जी, ये आगे से दोस्तों देख सकते हैं, पीछे मेल का बछड़ा है,
बछिया टाइप गाय है, काफी अच्छी है, छोटे छोटे सींग है, अडर क्वालिटी बहुत ही शानदार है, साहिवाल ब्रीड में। बहुत ही ठंडे स्वभाव की है संदीप भाई जी। दूध गाय ने 16-17 किलो आरामदारी से दे देना है। अभी ब्याई को इसको 8 से 9 दिन हुए हैं। अच्छा जी, ताजी मूल्य पे आएगी संदीप भाई, 16-17 किलो दूध दे देगी। अभी कोई भाई मिल्किंग चेक करना चाहे, 14 लीटर की मिल्किंग करवा के देंगे भाई। 14 लीटर कोई भी भाई 2 से 4 टाइम अपनी संतुष्टि कर सकता है भाई। दूध वही बताया जाता है जिस पशु से होता है भाई, जीभ में हड्डी नहीं होती, हलाने को हलाई रखो, कितनी हिला दो। अच्छा, 14 किलो तो 14 किलो ही बताएंगे और 12 किलो तो 12 किलो ही बताएंगे जी। और वो निकलेगा, निकलवा के देंगे। प्राइस भाई साहब, प्राइस संदीप भाई ये दे देंगे 52,000 में घर पहुँच। 52,000 रूपए, हाँ 52 की 52। इससे आगे दोस्तों पांचवे नंबर पर एक अच्छी हाइट वेट की गाय देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है, अडर क्वालिटी इसकी भी बहुत शानदार है। कौन सी नस्ल है भाई साहब? संदीप भाई राठी नस्ल की गाय है जी, प्योर राठी जो देसी नस्ल होती है हमारे राजस्थान की जी। और दूसरी बार इसने बच्चों को जन्म दिया, पीछे बछड़ा है जी। इसकी डिलीवरी हुआ 3rd दिन है। 12 किलो दूध नापने वाला फीस क्या है? 12 लीटर अभी रेडी रेट है बिल्कुल। हाँ संदीप भाई 15 से 12 दूध रखेगी, टैंक साइज हेड रहेगा। रात को आई थी जी, थोड़ा मन नहीं लगाया जी। बहुत ही अच्छी गाय है, हाइट वेट की भी काफी अच्छी है, स्वभाव बहुत ठंडा है संदीप भाई। अच्छा जी, दोनों साइड बैठ के दूध निकाल सकते हो आप, इतनी ठंडी गाय है। कितना दूध दे देगी प्रॉपर? 15 किलो से 12 रहेगी भाई। कोई भी भाई लेता है 15 किलो दूध मान के ले सकता है। अच्छा जी, पहले ब्यास में गाय ने 14 किलो दूध दे रखा है, तो अगली बार 2-2.5 किलो 3 किलो दूध बढ़ने की उम्मीद होती है गाय में। अभी लमसम खीस माने तो 12 किलो, 12 बच्चे समेत 12 किलो खीस तैयार है, बच्चे समेत। हाँ बच्चे को तो संदीप भाई साथ में बताया जाता है ना। अभी ताजी ब्याई हुई है, ब्याई अभी कौन से इसने बाल्टे भरने, खा पी के जब मेले मूले पे आएगी जब भी दूध माना जाएगा जी। लेकिन किसान भाई होती है, पूछते बताना पड़ता है जितना है जी। हमने लीटर तो मारा नहीं, हम तो भाई बाल्टी चक्के बता देते हैं कितना है जी जी। इस काम में जन्म से ही है भाई जी, जब से नॉलेज हुआ है। प्राइस भाई साहब, प्राइस संदीप भाई ये दे देंगे 48,000 की घर पहुँच। 48, हाँ 48,000, ठीक है जी। इससे आगे जी नेक्स्ट अगली गाय, ये संदीप भाई साहिवाल नस्ल की बछड़ी है जी। इसने बच्चे को जन्म दिया है दूसरे ब्यांत में। हाँ दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई है। हाँ संदीप भाई इसके पीछे जो बछड़ी है ना जी, वो गिर नस्ल की बछड़ी है। गिर में ये देखो, गिर में थोड़ा क्रॉस है जी, साहिवाल का। अच्छा जी, हाँ दूसरी बार इसने बच्चों को जन्म दिया है। 11 किलो दूध अभी रेडी है इसमें। 11 किलो, हाँ आज 6rd दिन है संदीप भाई ब्याई को जी। दूध 13 किलो से बार बार रहेगी। अच्छा जी, पतली चमड़ी की गाय है। पतली चमड़ी है संदीप भाई, केयर थोड़ी कम हुई हुई है। केयर कम हो रही है, नस्ल अच्छी है, बिलाव सींग है, तो थोड़ा शरीर बढ़ जाता। अच्छा जी, हाँ प्राइस भाई साहब संदीप भाई 35,000 में घर पहुँच। 35,000, हाँ 35,000 रूपए में घर पहुँच। हाँ ठीक है जी। इससे आगे दोस्तों अगली गाय ये भी राठी नस्ल के अंदर है, कलर है जो चोलिस्तानी ब्रीड का कलर है, आप देख सकते हैं। कौन से ब्यांत की है भाई साहब? भाई साहब पहले ब्यांत की है, 22 महीने की बछड़ी है। मात्र 22 महीने की है, पहला ब्यांत है। स्वभाव देखो इसका जी जी। संदीप भाई ये गाय हमने बेचनी नहीं है जी, ये मेरे घर की बछड़ी है। अच्छा जी, इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी, हमने इसको निप्पल से दूध पिला के और बड़ी की है जी। लेकिन ये उसी भाई को देंगे जो भाई घर पे रखना चाहता हो। अच्छा, और अच्छी परवरिश कर सकता है जी। मैं कभी भी जाके उसके घर गाय देख सकूं जी, भले 1,000 किलोमीटर होगा तो भी मैं देख लूंगा जाके। अच्छा जी, हाँ उसी को गाय दूंगा, बाकी गाय सेल नहीं करनी। बहुत ही प्यार और परवरिश से इसको हमने पाला है जी। ये देखो जी जी, मुठिया वाला हांचल है संदीप भाई। पहली बार में बछड़ी ने 13 से 14 किलो दूध देना है। अच्छा जी, ब्रीड वाली है, कोई देसी गोमत है, ब्रीड वाली बछड़ी है, दूध आराम से निकाल देगी। इसकी माँ के 20 किलो दूध था जी। 22 महीने उम्र है, हाइट में भी छोटी है। हाँ 22 महीने की उम्र है, हाइट छोटी है भाई, बिल्कुल छोटी सी है, बता देता हूँ जी जी जी। हाँ हिमाचल के भाई बहुत डिमांड करते हैं जी, ऐसी गायों की पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ऐसी गायों की डिमांड करते हैं भाई। कोई बात नहीं, जो भी भाई अच्छी परवरिश करना चाहता हो जी, इस गाय की परवरिश अच्छी करे और घर पे रखने वाला व्यापारी ना हो जी, वो भाई हमसे इस गाय के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पीछे मेल का बछड़ा, पीछे बछड़ा है, आज दूसरे दिन है इसकी डिलीवरी को। अच्छा जी, हाँ 2 दिन हुए, कच्चा सूंड आप देख सकते हो जी। न्याणा लगाओ मत लगाओ, बगैर न्याणे बैठ जाओ, दोनों साइड बैठ जाओ, इतनी ठंडी गाय है। प्राइस भाई साहब? प्राइस ये दे देंगे जी 42,000 रूपए की घर पहुँच। 42,000, हाँ 42,000 का। हाँ
कोई भाई अगर शौक से लेगा घर पे रखने के लिए तो 40,000 की दे दूंगा। अच्छा। 2,000 रुपए छोड़ कर दूंगा। ठीक है जी। आठवें नंबर पर दोस्तों एक साहिवाल ब्रीड के अंदर बछिया है, वो भी देख सकते हैं आपके सामने है, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है। कौन से ब्यांत की है भाई साहब? भाई साहब फर्स्ट टाइमर ब्याई है। अच्छा जी। मुंह से दो दांत है। दो दांत है? हाँ मुंह से दो दांत है, पहली बार बच्चा दिए। आज 4 दिन की ब्याई है संदीप भाई, खींच से पूरी खाली कर दी है। अच्छा जी। खींच से पूरी खाली हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है पहले ब्यांत में 14 किलो दूध बछड़ी आराम से देगी। अभी खींच 10 किलो तैयार है इसमें। 10 किलो खींच है? हाँ कच्चा दूध 10 किलो तैयार है जी। ब्यांत आपने बताया पहला ब्यांत है, फर्स्ट ब्यांत। हाँ फर्स्ट ब्यांत के अंदर खार की बछिया साहिवाल ब्रीड की, प्योर साहिवाल है जी, पीछे बछड़ा है जी। जी हाँ बहुत ही ठंडे स्वभाव की है, दोनों साइड बैठ के दूध निकाल लो, न्याणा लगाओ मत लगाओ, बहुत ही ठंडी स्वभाव की है। प्राइस भाई साहब इसका? प्राइस ये दे देंगे जी 50,000 में घर पहुंच। 50,000 रुपए में? हाँ। इससे आगे भाई साहब? संदीप भाई ये सॉरी 9वें नंबर पे गाय है जी, राठी ब्रीड के अंदर गाय है और तीसरी बार इसने बच्चे को जन्म दिया है तीसरे ब्यांत में। हाँ गाय अच्छी है, परवरिश किसान ने अच्छी नहीं कर रखी जी। दूध जो नापने वाला संदीप भाई 12 किलो से बार बार दूध तैयार है, लेकिन कोई भी भाई लगता है 12 किलो दूध मान के इसको खरीद सकता है। अच्छा जी। पीछे बछड़ा है जी मेल का, तीसरे ब्यांत की गाय राठी नस्ल में मेल का बछड़ा, अभी दूध 12 किलो बता रहे हो, 12 किलो नापने वाला तैयार है जी, बहुत ही ठंडे स्वभाव की गाय है जी। हाँ कितने दिन की ब्याई हुई है? आज हो गया संदीप भाई इसको 7वां दिन है बच्चा जी। वो बच्चा है जी ये बीच में ब्लैक। हाँ ब्लैक सा बछड़ा। प्राइस भाई साहब? भाई साहब ये दे देंगे हम गाय 25,000 की। 25,000? हाँ एक है संदीप भाई वीडियो कैमरा उस तरफ घुमाओ जी, वो 10वें नंबर पे जो बछड़ी है जी, खार के की है, पहली बार बच्चे को जन्म दिया उसने। अच्छा जी। 12 किलो दूध उसमें तैयार है। अच्छा जी। हाँ नापने वाला पीछे बछड़ी, आप भी बछड़ी और पीछे भी बछड़ी है जी जी, बहुत ही ठंडे स्वभाव गया, दोरा मोटिया था ना मजबूत था ना जी जी, और न्याणा लगाओ मत लगाओ जी। अगर दोनों गाय ये साथ में अगर कोई भाई लेता है जी तो 55,000 की पहुंच करवा दूंगा, दोनों गाय 55,000 घर पहुंच, घर पहुंच करवा दूंगा। 500 और 10वें नंबर की दोनों गाय एक साथ। हाँ पीछे इसके क्या है जी? बछड़ी है जी इसके, बछड़ी है। कौन सी वाली? ये ब्लैक वाली। ये? हाँ ये बछड़ी है, ये बछड़ी। और इसका ब्यांत कौन सा है जी? पहला ब्यांत है संदीप भाई, फर्स्ट ब्यांत में, पहले ब्यांत। अभी इसकी मिल्किंग कितनी है? 12 किलो दूध नापने वाला तैयार है भाई, दोनों गाय के यानी कि 12 अभी बच्चा संदीप भाई आगे बंदा हुआ था, थनों में मुंह लगा दिया, गाय पांव से भी गई, थन दिख रहा होगा आपको। जी जी। हाँ 12 किलो मानकर 12 किलो दूध। हाँ नाप के कोई भी भाई ले सकते हैं, बिल्कुल नरम चुआई गया, पांव सड़ने के बाद धारे चलने लग जाती है। जी जी जी। हाँ 12 तैयार है। 12 वैसे संदीप भाई मैं बताता हूँ, दूध तो कर्म वालों को मिलता है, दूध और पूत होते हैं ना जी, वो जी। जिसका कर्म होगा ना उसको ही मिलेगा जी, जी। आज मेरे कर्मों में दूध इस गाय का नहीं लिखा ना जी, तो वो नहीं लिखा, उसे कोई टालने वाला नहीं है जी जी। हाँ दूध और पूत होते हैं कर्मों को, वो कोई भी भाई दूध की तसली करता है मेरे घर की गारंटी है जी जी। हाँ दूध नाप के लिए यानी कि दूध की गारंटी यहाँ पर है अमित भाई के घर की संदीप भाई, आज मेरा विश्वास नहीं, मैं एक कदम चलते मेरे क्या हो जाए जी जी, इस चीज का विश्वास नहीं होता। आज अगला कैसी परवरिश करे, ये तो पशुधन है, पूंछ लाना धन है जी जी, है ना, तो अगले की परवरिश पे डिपेंड करता है। आज करके अब तो वो मुझसे ज्यादा करेगा तो ज्यादा निकाल लेगा जी जी, और मुझसे कम करेगा तो कम निकाल लेगा। अमित भाई जैसे दूध की कोई गारंटी नहीं आपने बता दिया, दूध की कोई गारंटी नहीं लेते भाई, दूध की गारंटी इतनी होती है हमारे फार्म पे देखो। तो किसान भाई जैसे विश्वास करते हैं जी, हाँ जी, ऑनलाइन जो अपनी वीडियो देखते हैं तो उनको इतना भी विश्वास होना चाहिए कि अमित भाई जो चीज भेज रहे हैं, दूध की चलो आपने बता दिया, थनों की अगर लात मारे गाय उस चीज मैं बताता हूँ, गाय अपना दूध पीती हो जी, गाय लात मारती हो जी, गाय जैसे थनों में कोई दिक्कत हो जी, उस चीज की अमित की गारंटी जी, इतनी दिक्कत हो पैसे अकाउंट में डाल दूंगा, मेरी गाय वहाँ से लोड करके भेज दे, मैं दूसरी बात नहीं करता जी जी, बस दो ही बात है, वहाँ से गाय में खोट है एक फोन करो, भाई आपके गाय में ये खोट है, वहाँ से लोड कर दो, मैं पैसे डाल दूंगा एक मिनट में अकाउंट में जी जी। क्योंकि संदीप भाई पीछे हम भी पैसे दे के आते हैं जी, हम किसानों से एक एक हीरा चुग लाते हैं जी जी, वहाँ पैसे दे के अगले के घर पे डेरी करके फिर लेके आते हैं, खरा पशु लाते हैं खरा ही बेचेंगे जी। पिछली वीडियो संदीप भाई 11 दिन हुए हैं जी, 35 गाय सेल की हमने जी जी, 35 गाय सेल की है, 11 गाय का ये लोड पड़ा, 50 गाय माइनर रखती है 10 दिन में सेल करना, हमारा नाम बिकता है जी जी जी। हाँ
तो तीन दिन वीडियो बनने के बाद में बहुत भाई कमेंट करने लग गए जी, भाई साहब की वीडियो कब आएगी, भाई साहब की वीडियो कब। वीडियो तो संदीप भाई जैसे ऐसे है ना, जैसे ये वीडियो आपने लगा दी जी, तो इसके बाद जैसे कई कस्टमर हमारे पास ऐसे लोट लेने वाले आ जाते हैं, उनका माल पूरा करना पड़ता है जी, तो जी। वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, वीडियो तो हम दूसरे दिन ही लगाते जी, क्योंकि हमारे जैसे बाहर से पशुधन पहले से लेके तैयार रखते हैं संदीप भाई जी। अभी हमारे जैसे ये पशुधन सेल होके जाएगा, हम वो ला के खड़ा कर देंगे जी जी, तो एक वीडियो पे कम से कम 40-45-50 गाय हम सेल कर देते हैं जी जी। ये बात है, प्योर साहिवाल नस्ल की गाय है भाई जी, दूसरा ब्यांत है, फुल हाइट लेंथ है संदीप भाई, दोहरा मोटिया थन लगा हुआ है, थनों के अंदर स्पेस काफी अच्छा है जी। हाँ, पीछे बछड़ा है, इसकी डिलीवरी को 7 दिन हो गए, 7 दिन की ब्याई हुई है साहिवाल ब्रीड में। हाँ, नापने वाला दूध 14 किलो तैयार है, कोई भी भाई 2-4 टाइम अपनी मिल्किंग करके तसल्ली करके ले जा सकते हैं। अच्छा जी, 14 किलो दूध निकलवा के देंगे, 14 किलो। हाँ, ये बछड़ा है संदीप भाई, देख सकते हो आप, साहिवाल नस्ल का ही बछड़ा है जी। हाँ, इसका प्राइस भाई साहब ये दे देंगे जी 45,000 की घर पहुंच, 45,000 रुपए में। हाँ, दूध और भी बढ़ेगी जी, लेकिन जो आज नापने वाला दूध है वो 14 किलो तैयार है, 14 किलो। हाँ, बिल्कुल रेडी है, ठीक है जी।